Hello student, this is Raj Srivastava, welcomes you to our next lecture which is based on surface chemistry. In previous lecture, we have studied about the chemisorption, the physisorption and the factors affecting the adsorption. In this, the last content is that the pressure, how the pressure depend on the adsorption. We studied that as the pressure increases, the adsorption is also increased, which is discussed in this particular topic, today's topic, which is called isotherm. First, what is the isotherm? It means those process in which temperature is constant is called isothermic process. Today we have to cover our two topic under the isotherm. One is called Brendlich isotherm, next is called Langmuir isotherm. Okay, now here, what is adsorption isotherm? Basically, the adsorption isotherm is a plot of mass of gas. It is a plot of mass of gas. What means that? It is a graphical representation. The graphical representation based on the mass of the gas adsorbed. Suppose this is the surface, which is called adsorbent, in which the gases are adsorbed, therefore it is called adsorbate. It is called adsorbate. It is a plot of mass of gas adsorbed. Yani jab ye aa rahi to iska kya hoga, particular koi na koi iska kya hoga, mass hoga. Adsorbent, ab adsorbent ke upar aa rahi to iska bhi kya hoga, particular mass hoga. Yani kitne mass gas ke adsorbent ke upar, kitne mass adsorbent pe kitna mass aapka adsorbate, yani gas aapki adsorb ho rahi hai. Ye baat dhyan rakhna. कि यहाँ पे हम गैसेस की बात करते हैं, बिकॉज यू हैव स्टडी दैट इफ द गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड. और लिक्विफाइड कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिटिकल टेम्परेचर. आपने ये बात देखी थी, एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे आप गैसेस का क्या क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, उनका एड्सॉर्प्शन क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है. तो यहाँ पे आपको वही काम करना है कि यहाँ पे भी आपको इस प्रोसेस को यहाँ पे देखनी है. अब यहाँ पे क्या था, मास ऑफ गैस ऑफ पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट, किसके रिलेशन आप देखोगे, रिलेशन विद इक्विलिब्रियम प्रेशर. यहाँ पे क्या लिखा आपका, इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे प्रेशर कैसा होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी प्रेशर भी कुछ होना चाहिए आपका, और साथ में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स जीरो, और टेम्परेचर रिमेन्स, इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जीरो की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंट लिखते हैं, वो ज्यादा सही होगा. कॉन्स्टेंट का मतलब टेम्परेचर को आपको चेंज ही नहीं करना, टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा आपका फिक्स होगा. अब इसके लिए अगर हम इसकी स्टडी करें, कैसे इसको समझेंगे, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम किसका लेते हैं एग्जाम्पल, फ्रेडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसको आराम से समझो, इट शोज द एम्पिरिकल रिलेशन. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या, एम्पिरिकल. Empirical, empirical relationship between quantity of gas adsorbed. यानी अगर आपकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरफेस है तो उस पर कितने क्वान्टिटी ऑफ गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही है एट द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट. यानी इसका जो मास है, किसका आपका, एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्बेंट का, ये कैसा होना चाहिए आपका, यूनिट होना चाहिए. यानी इसकी क्वान्टिटी भी कितनी चाहिए आपकी, फिक्स होनी चाहिए, एट अ प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी इसके ऊपर कोई ना कोई आपका प्रेशर एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ यहाँ देखा होगा कोई ना कोई आपका टेम्परेचर लगा होगा, और टेम्परेचर कैसा होगा आपका, फिक्स्ड होगा. टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे, फिक्स्ड होगा, और द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हमेशा टेम्परेचर क्या रखना आपको, कॉन्स्टेंट. यानी एक बार आपने जो टेम्परेचर ले लिया, वही टेम्परेचर क्या होगा आपका, यहाँ पे मेंटेन रहेगा. और इसको यहाँ पे डिनोट करने के लिए फ्रेडलिश ने क्या किया, फ्रेडलिश ने इसको डिनोट करने के लिए एक रिलेशन बनाया. रिलेशन इज दैट द एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी पावर वन इज टू एन. एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एट प्रेशर पी रेज टू पावर वन बाई एन. अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्या क्या है, एक्स क्या है, एस इज अ मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब. यानी x क्या है आपका, वो मास है जितने मास से आपकी गैस यहाँ पे आपकी एड्सॉर्ब हो रही है. s
इज द मास ऑफ दैट एब्जॉर्ब, जितनी गैस आपकी एब्जॉर्ब हो रही है उसका मास है, पूरी गैस का मास नहीं है, जितनी गैस आपकी वहां पे एब्जॉर्ब होगी उसका मास किससे आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे आप एक्स रिप्रेजेंट करोगे। और हेयर एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, एम क्या होगा आपका मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी वो पर्टिकुलर सरफेस जिसके ऊपर कौन सा आपका गैस आपकी एब्जॉर्ब हो रही है उसका मास रिप्रेजेंट करोगे आप एम से। पी आपको पता है, पी क्या होगा, पी इज ऑलवेज अ प्रेशर, एंड एन एंड के, और ये एन और के क्या है, के एंड एन इज आपका कॉन्स्टेंट है, के एन क्या आपका कॉन्स्टेंट है, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ये कॉन्स्टेंट आपका नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट के ऊपर, एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ये जो दो आपके कॉन्स्टेंट है ये किसके ऊपर आपकी एब्जॉर्बेंट के ऊपर यानी उस सरफेस के ऊपर, और वो जो आपकी गैस आ रही है कौन सी गैस आ रही है, कोई भी आपकी गैस आती है जिसका पर्टिकुलर क्या होगा अपना मास होगा उनके नेचर के ऊपर, एड्सॉर्बेंट हम कह दें और क्या आपका एड्सॉर्बेट, इनके नेचर के ऊपर क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा क्या के और एन की वैल्यू। अब इसको अगर सिंपली फॉर्म में अगर हमको इसको क्या करना होगा, अगर इसको डिस्कस करना हो तो हम कह सकते हैं इट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस एक्स, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस एक्स, यानी ऐसी गैस जिसका मास एक्स है उसका एक्सटेंट फॉर्म में क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन होगा किसके ऊपर, ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ मास एम, ये जो सॉलिड सरफेस है उसका मास क्या होगा एम पे होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, यानी कितने प्रेशर से उसको हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे उसी प्रेशर से क्या होगा ये एक्सटेंट ऑफ गैस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर आपको यहाँ पे टर्म यूज करना पड़ेगा, बिना प्रेशर के आप गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो एट अ फिक्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होगा आपका यहाँ पे फिक्स होगा। इसको दिखाने के लिए हम करते क्या फ्रेंडली शर्त हम यहाँ पे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस द एक्सटेंट ऑफ गैस और द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है यानी कितनी गैस आपकी एब्जॉर्ब हो रही है उसका रिलेशन हम कैसे करते हैं निकालते किससे एक्स अपॉन एम के रेशियो से, और एक्स अपॉन एम क्या है इट इज द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, यानी कितने मास में आपकी गैस कितने अमाउंट में आपकी गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसको दिखाने करते हैं कि हम लोग एक्स अपॉन एम का रेशियो लेके चलते हैं, यानी कितने पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कितनी गैस आपकी एब्जॉर्ब हुई उसको दिखाते क्या इस तरह को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे आप प्रेशर को यूज कर रहे हैं, जब भी आप यहाँ पे प्रेशर को लगाते हो टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये बहुत पूछा जाता है इवन ट्वेल्थ और आगे भी, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं। और फ्रेडलिश ने क्या किया उसको प्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिया, ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे ये जो आपका ग्राफ यहाँ पे मेंशन है इस ग्राफ को यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं, ये ग्राफ किसके ऊपर था इट इज डिपेंड अपॉन एक्स अपॉन रेशियो, एक्स अपॉन एम रेशियो, और एक्स अपॉन एम रेशियो क्या था इट इज द एक्सटेंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, यानी अमाउंट ऑफ गैस कितनी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है किस पे एट अ पर्टिकुलर प्रेशर पे, यानी कितना प्रेशर आप लगाते जाओ कितनी गैस आपकी एब्जॉर्ब होती जाएगी। फ्रेडलिश ने नोटिस किया जब इसका ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हुआ तो इसने देखा कि ग्राफ आपका इस तरह बन रहा था, पहले ये ग्राफ क्या था अगर आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका ग्राफ बनाए ये क्या हो गया x अपॉन m ऑन y एक्सिस p ऑन x एक्सिस, तो पहले क्या था ओरिजिनेट में आपका स्ट्रेट लाइन था फिर धीरे धीरे ये ग्राफ क्या हुआ कर्व होके पैरेलल टू द एक्सिस हो गया, ये कौन सी एक्सिस थी x एक्सिस और ये कौन सी थी आपकी y एक्सिस, ये ध्यान रखना अब यहाँ पे ये एक्सिस हैं ये x मास नहीं है वो ये क्या है x एक्सिस है ये क्या आपकी y एक्सिस है और x अपॉन m का रेशियो किसके ऊपर है आपका y एक्सिस के ऊपर है, यानी एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस किसके ऊपर है आपका पर्टिकुलर आपका x अपॉन m रेशियो तो y एक्सिस के ऊपर है। अब अगर आप देखो तो इनिशियल फेज में यानी यहां से यहां तक की आप बात करो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे क्या था आपका लो प्रेशर, एट लो प्रेशर पे यानी जब प्रेशर कम दिया गया था तो फ्रेडलिश ने नोटिस किया द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर वन, यानी यहां पे जो आपका एक्स अपॉन एम रेशियो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द पी पावर वन, और
जब लो प्रेशर को हम क्रॉस करते हैं, जब किस तरह पहुंचते हैं हाई प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर को लगाते हैं, देन एट हाई प्रेशर दिस एक्स अपॉन एम रेशियो बिकम्स पी टू द पावर जीरो। कैसे हुआ, आप ग्राफ को देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे आप कितना भी प्रेशर करो, यहाँ पे क्या है आपका एड्सॉर्प्शन जो आपका हो रहा है वो कैसा होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यानी एक टाइम के बाद क्या होगा, एड्सॉर्प्शन आपका इसमें होगा ही नहीं। या तो हम इसको ऐसे करें एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, या तो हम ऐसे कहें कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जितनी आपकी गैस एड्सॉर्ब हो रही है उतनी ही गैस क्या होगी, आपकी डिसॉल्व ही होगी। यानी जितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हुई उतनी गैस आपकी डिसॉल्व हो रही है। यानी यहाँ पे प्रोसेस कैसी हुई आपकी, कॉन्स्टेंट होगी, प्रोसेस कैसी होगी आपकी, यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब इसके बीच में कोई ना कोई आपकी क्या होगी, इंटरमीडिएट फेज होगी। भाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर गए, यहाँ की पी पावर वन थी, यहाँ पी पावर क्या होगी आपकी जीरो। पी टू रेस पावर जीरो का मतलब क्या है कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया आपका प्रेशर हो गया, कितना ही प्रेशर लगा हुआ तो उसका एडजॉर्प्शन होना ही नहीं है। तो बीच में जो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर बनता है, यानी यहाँ पे जो आई पी की कंडीशन आती है इंटरमीडिएट प्रेशर की, उस पर हम ये देखते हैं, यहाँ को इस तरह से प्रेजेंट कर दो कि यहाँ पे द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर वन बाई एन। अब जो मैथ्स वाले वो समझ गए होंगे कि पी पावर वन क्या, वन बाई एन का मतलब क्या है, यानी पहले पी की पावर वन थी, अब पी की पावर जीरो हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, इस इंटरमीडिएट फेजेस के लिए हम कनेक्ट करते हैं क्या, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन बाई एन। अब इसको अगर थोड़ा सा और क्लियरिटी अगर समझते हैं, यहाँ पे इसको हटा दो, पूरा इसको हटा दो, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू पावर वन, इसका मतलब क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट पावर, इट इज द इंटरमीडिएट पावर, ये क्या थी आपकी, इंटरमीडिएट पावर थी। अब यहाँ से हमको तीन चीजें मिलती हैं, पहली बात एक लो प्रेशर मिलता है उससे क्या रिलेशन बनता है, एक आपका इंटरमीडिएट प्रेशर बनता है उससे क्या रिलेशन निकलता है, और हाई प्रेशर पे क्या था, लो प्रेशर पे, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, इन तीनों रिलेशन की अगर हम केस स्टडी करेंगे तो फेडरली आइसोथर्म आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जाने पे एक क्या मिल रहा है आपको, इंटरमीडिएट मिल रहा है, और इंटरमीडिएट पे एक प्रेशर किसका मिलता है आपको, पी एस। हेयर द पी एस मीन्स दैट इट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। ये क्या है आपका, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सैचुरेट कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर टाइम पे एड्सॉर्प्शन आपका हो रहा है, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका एड्सॉर्प्शन नहीं होता, या ये कह दें कि किस समय ये एड्सॉर्प्शन आपका ज्यादा होता है और किस समय एड्सॉर्प्शन आपका लगभग कॉन्स्टेंट हो जाता है, कितना प्रेशर डालो आपका एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो क्या होता है आपका सैचुरेशन प्रेशर। यानी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पीएस पे ये एड्सॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ से आपका होना बंद हो जाएगा, या एक ऐसी फेज बनेगी यहाँ पे जितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही उतनी गैस आपकी यहाँ पे एमिट भी होगी। अब यहाँ पे अगर इसकी हम केस कुछ अगर कंडीशन को देखें, कंडीशन क्या, इनिशियल फेज पे क्या होता है, एट इनिशियल फेज, इनिशियल फेज पे क्या था, जब लो प्रेशर था, लो प्रेशर पे क्या देखा, एट लो प्रेशर द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर वन। यानी यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाते हो, पी की पावर वन का मतलब क्या होता है, द पी पावर वन मीन्स दैट द पी की पी टू द पावर वन मीन्स दैट पी, यानी एक्स अपॉन एम इज डिपेंड ऑन प्रेशर, यानी जितना प्रेशर बढ़ाओगे इनिशियल फेज से उतना ज़्यादा क्या होगा आपका यहाँ बढ़ता जाएगा। यानी जैसे तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आप, लो प्रेशर का टर्म था, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या एक्स अपॉन एम का रेशियो आपका बढ़ता रहेगा, उतनी ज़्यादा गैस आपकी एब्जॉर्ब करती जाएगी। फिर एक क्या बनती है आपकी फाइनल फेज, नेक्स्ट इज अ फाइनल फेज, फाइनल फेज पे क्या था, एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पर रिलेशन क्या बनता है, एट हाई प्रेशर द एक्स अपॉन एम रेशियो इज इक्वल टू, और वी कैन से दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर जीरो। द पी टू द पावर जीरो मीन्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, पी की पावर अगर आप ध्यान दो वन टू जीरो, द पावर ऑफ पी वेरीज फ्रॉम वन टू जीरो, यानी जो पी की पावर है वो कहाँ से आ रही है, वन से आपकी जीरो पे वेरी कर रही है। हम कह सकते हैं द पी वेरीज फ्रॉम वन टू जीरो, और पी की क्या आपकी पावर है, पहले क्या था आपका ये पी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा था प्रेशर के ऊपर,
बाद में क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट किससे हो गया, प्रेशर से हो गया, वहां पे आप करते क्या फीड पावर 1 to 0 आपकी यहाँ पे करती है, आपकी यहाँ पे डिपेंड करती है। इस तरह क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हुई कि कैसे आपका इनिशियल फेज में लो प्रेशर पे होता है, उस समय अगर आप देते हो तो पहले क्या होगा धीरे धीरे एडॉप्शन बढ़ता जाएगा, फिर जैसे जैसे आप प्रेशर को और ज्यादा करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे पूरी सरफेस आपकी कवर हो गई। अब पूरी सरफेस अगर आप कवर हो गई तो उसके बाद अगर कितना भी प्रेशर लगाओ उसके बाद एडसॉर्प्शन नहीं होने वाला। ये आप ये कहें कि बहुत हाई प्रेशर पे एक आपकी ऐसी फेज बनती है कि जितने पार्टिकल आपके एड्सॉर्ब होते उतने पार्टिकल आपके एमिट भी होते हैं, तो वो पार्टिकुलर क्या होता है आपका एट प्रेशर वहां पे क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है, और जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो पैरेलल किसके हो जाता है आपके एक्सेस के। ओके नाउ नेक्स्ट टू कम टू द केस, केस वन क्या कहता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट केस में अगर आप बात करो किसकी पीएस की, पीएस इज द सैचुरेशन प्रेशर। पीएस क्या था आपका सैचुरेशन प्रेशर था, यहाँ पे ये चीजें आपकी मेंशन, पीएस इज द सैचुरेशन प्रेशर। और इस प्रेशर पे क्या होता है द एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू डिसॉर्प्शन। ये कब हो रहा है, फर्स्ट केस पे हो रहा है एट पीएस, यानी सेचुरेशन प्रेशर पे क्या होता है एड्सॉर्प्शन की रेट डिसॉर्प्शन क्या होती है आपकी इक्वल होती है। यानी कहने का मतलब है कि पीएस स्टेज के ऊपर इन केस वन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब is equal to the amount of gas dissolved, यानी जितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही है उतनी गैस क्या हो रही है आपकी डिसॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी गैस की आप बात करते हो, यहां पर भी किसकी बात हो रही है गैस की, यहां पे किसकी बात हो रही है आपकी गैस की। हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे केवल एड्सॉर्बेंट की आप बात करो, एड्सॉर्बेंट कैसा लिया है आपने गैसियस फॉर्म में लिया है, और पीएस से यानी फर्स्ट केस सैचुरेशन प्रेशर से क्या होता है एड्सॉर्प्शन ग्रेड डिसॉर्प्शन के आपकी बराबर हो जाती है, यानी कि यहां पे क्या बनता है इट इज अ इक्विलिब्रियम फेज। यहां पे क्या बनती है आपकी इक्विलिब्रियम फेज बनती है, और इक्विलिब्रियम फेज का मतलब क्या है कितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही है उतनी गैस आपकी यहां पे डिसॉल्व हो रही है। इट मींस दैट इट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट इवन दो द प्रेशर इंक्रीज। अब कितना भी आप यहां प्रेशर इंक्रीज कर दो, कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दो, यहां पे जो इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो गया तो जितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब उतनी गैस आपकी डिसॉल्व भी होगी, यानी इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कितनी गैस आप लेके आ रहे हो। एक बार आपका अगर पीएस बन गया सैचुरेशन प्रेशर बन गया तो दोनों की रेट क्या होगी आपस में इक्वल हो जाएगी, इतनी गैस आप वहां पे ऐड करो इतनी गैस आपकी वहां पे एमिट भी हो जाएगी। ठीक, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट और द सेकंड केस। सेकंड केस इज दैट एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होता है, अब आपको पता है एट लो प्रेशर यानी इन केस टू लो प्रेशर पे क्या है, एट लो प्रेशर द एक्स अपॉन एम रेशियो दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पी टू द पावर वन। इस पर डिपेंड कर रहा है आपका पी के पावर वन पे आपका ये डिपेंड करता है। इन दिस केस अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट करें तो एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन। अब बार बार पी पावर वन लिखने से अच्छा हम क्या करें इसको, वी नो दैट द पी पावर वन इज इक्वल टू पी, तो हम क्या लिख दें द एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इन टू। लो प्रेशर पे क्या होता है आपको ये पर्टिकुलर बनता है कि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ द गैस है दिस इज इक्वल टू प्रेशर, यानी लो प्रेशर पे आप क्या प्रेशर को बढ़ाते जाते हो, यानी जैसे जैसे प्रेशर लगाते जाओगे वैसे जैसे क्या होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे आपका इंक्रीज करता जाएगा। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, द ग्राफ वही ग्राफ रहेगा हमेशा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा एक्स अपॉन एम दैट इज एक्सटेंट ऑफ द गैस, वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका प्रेशर होगा, और यहाँ पे जो ग्राफ है आपका किससे स्टार्ट होगा आपके ओरिजिन से, ओरिजिन टू इस तरह क्या होगा आपका लो प्रेशर पे ग्राफ जाता है। प्रीवियस केस में आपने इसको देखा होगा है कि वहां पे जैसे जैसे आप पढ़ाते हो भाई इनिशियल फेज पे अगर आप देखो तो पहले क्या होता है धीरे धीरे लो प्रेशर पे, जैसे जैसे लो प्रेशर पे आप कहते हैं एड्सॉर्प्शन अगर देखते हो तो लो प्रेशर एड्सॉर्प्शन आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यहाँ पे क्या था द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू पी, यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे
प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, एडॉप्शन आपका भी इंक्रीज करता जाता है। अब यहाँ पे क्या है, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, लगभग आपका ग्राफ कैसा है आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह धीरे धीरे रास्ता क्या ग्राफ आपका इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव फॉर्म में आपका मूव करता जाता है। ठीक है, दिस इज आवर केस टू। नाउ नेक्स्ट टू द केस थर्ड। केस थर्ड इज दैट इन केस थर्ड में क्या देखते हैं एट हाई प्रेशर। अब ये ध्यान रखना हाई प्रेशर पे क्या होता है, एट हाई प्रेशर द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर जीरो। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर हाई प्रेशर हो गया और हाई प्रेशर पे जहां पे आपका क्या हो रहा है एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन आपको क्या हो गया इक्विलिब्रियम फेज पे आपको मिल चुका है, कि जितना आपका एड्सॉर्ब हो रही है आपकी डिसॉर्ब भी हो रही है, और यानी इस फेज पे क्या होता है कि जो आपका ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये पर्टिकुलर ग्राफ एड्सॉर्प्शन का इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या होता है आपका ये पैरेलल हो जाता है, यानी कितना भी प्रेशर बढ़ा दो वो पर्टिकुलर क्या आपका कॉन्स्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, वो क्या हो गया वहां पे आपका ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब अगर ये कॉन्स्टेंट हो गया, अब अगर ये आपका पूरा पूरा कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या होगा पी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इफ द पी की पावर जीरो वी नो दैट अगर पी की पावर जीरो है समथिंग द पावर जीरो इट इज इक्वल टू वन, वो किसके इक्वल होती है आपकी वन की इक्वल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन घटाओगे आप तो क्या लगेगा बाई एलिमिनेटिंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी मस्ट पुट द कॉन्स्टेंट के पी पावर जीरो वी नो दैट p power 0 is equal to 1, therefore x upon m is equal to k, where k is the constant, or we can say that the extent of the gas adsorbed remain constant. क्योंकि अगर p की पावर 0 हो गई, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया, यानी प्रेशर क्या हो गया इंडिपेंडेंट, उसकी हानि खत्म, p की पावर 0 हो गई, अगर p की पावर 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है वन के हो गया, अगर k में 1 को मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा केवल k बचेगा, और k आपको पता है इट इज अ कांस्टेंट, तो यानी x अपॉन m का रेशियो द एक्सटेंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब इट इज इक्वल टू द कांस्टेंट, वो किसके आपके कांस्टेंट के इक्वल हो गई। यानी अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ हो गया जो हम कहते थे क्या कि प्रेशर हाई करने पे आपके क्या होता है ग्राफ आपका कांस्टेंट रहता है, उसका ये प्रूविंग होती है कि अगर x अपॉन m को देखो तो इस पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे क्या होगा वैल्यू उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, या ये कहें कि जितनी गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही है द सेम गैस विल बी डिसॉर्ब, उतनी अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी इसमें आपकी डिसॉर्ब होगी, यानी ये फेज क्या होगी इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इसकी हम स्टडी करें थोड़ा सा इसके ग्राफ को और देख लो, ग्राफ आपका था इसमें एक्स वाई एक्सिस पे क्या था एक्स अपॉन एम, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, दिस इज द प्रेशर पी, लो प्रेशर पे क्या था ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन, और धीरे धीरे जैसे आप गैस बढ़ाते जाते हो ये बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये क्या था आपका हाई प्रेशर एट दिस पॉइंट दिस इज द हाई प्रेशर, द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर जीरो, और वी कैन से दैट इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था पीएस पे यानी सैचुरेशन प्रेशर पे जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉर्ब, वहां पे क्लियर बन जाती है। उसके बाद सेकंड केस में हमने क्या देखा था एट लो प्रेशर एज द प्रेशर इंक्रीजेस एट इनिशियल लेवल द ग्राफ शोज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे आप वहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हो एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है आपका बढ़ता चला जाता है, बिकॉज इन दिस फेज द एक्स अपॉन एम रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द पी की पावर वन। नेक्स्ट केस क्या था एट हाई प्रेशर जो अभी आपने देखा, इसमें अगर आप देखो एट हाई प्रेशर द एक्स अपॉन एम रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ पी पावर जीरो, इट मीन्स दैट इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी जितना भी आप यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई करोगे इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द थ्री केसेस एट सैचुरेशन प्रेशर एट लो प्रेशर एट हाई प्रेशर। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट द इंटरमीडिएट प्रेशर। अब देखो केस फोर क्या होगा, इसको ध्यान रखना
केस 4, केस 4 में क्या था, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रेशर। क्यों इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि ये बात ध्यान रखो, इंटरमीडिएट है, दोनों प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, पहले वाली भी बाद वाली भी, यानी लो प्रेशर है भी हाई प्रेशर, तभी तो इंटरमीडिएट का हो गया ना, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो सके। इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच का स्टेज, यानी इसके पहले लो प्रेशर का, इसके बाद क्या आपका हाई प्रेशर, तो भाई इंटरमीडिएट फेज है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा कि ऐसा आपका पर्टिकुलर प्रेशर या ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ऐसा प्रेशर लगा हो, कम कर दें तो लो प्रेशर का और ज्यादा कर दो तो हाई प्रेशर का, दोनों प्रॉपर्टी आपको वो दिखा दे, वो क्या होगा आपका इंटरमीडिएट प्रेशर होगा। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे हमने देखा क्या था, द एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 1/n। यहाँ पे पी की पावर क्या थी आपकी, 1/n है क्या, हमको ये पता, वी नो दैट द पावर ऑफ पी, द पावर ऑफ प्रेशर, प्रेशर कहो या उसको पी से सिंपली डिनोट कर दो बात वो ठीक है, इट वेरियस फॉर्म कहां से 1 to 0, 0 to 1 क्या होती है, 1 to 0 होती है, 1 से लेकर के क्या होती है आपकी, 0 होती है। अब जब इंटरमीडिएट निकालेंगे तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ 1/n, ये क्या आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी आपको यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया 1 पावर है। अब इसका यूज कैसे होगा इसको आप देखो, जैसे इंटरमीडिएट प्रेशर आपको हर चीज दिखाता है, अब आपको आपको ये पता चल गया इंटरमीडिएट प्रेशर आपका लगा है आईपी, और आईपीपी क्या है, द एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 1/n। तो यहां से हम दो केस निकाल सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो पहले वाला भी केस दिखाना चाहिए और बाद वाले केस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर दोनों केस सेटिस्फाई करेगा तभी हम इसको इंटरमीडिएट कहेंगे, नहीं तो ये सब क्या होगा बेकार है किसी भी वर्क का नहीं है सॉरी एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे वी नो दैट एट लो प्रेशर द फ्रेडलिश इक्वेशन रिटन एज x/m इज प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 1, किसके प्रोपोर्शनल है आपकी पी पावर 1 की, हाई प्रेशर पे क्या है द एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 0। अभी हम फर्स्ट केस खेलते हैं कि आपका लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे किस तरह से इसकी आपको कैसे आपका ये इंटरमीडिएट प्रेशर वहां पे आपको ये डिनोट करेगा, किस तरह से उसको आप वहां पे समझोगे, सबसे हटा देते हैं, यू कैन इरेज इट, ठीक इसको लेके चलो आप, हमको पता है द एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1/n और लो प्रेशर पे क्या हो गया एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर आप रिलेट करो तो यहाँ पे 1/n इज इक्वल टू किसके हो गया पी की पावर 1 बाई इसकी पावर कितनी थी 1/n, इसकी पावर कितनी थी 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन राइट हेयर द 1/ वी कैन राइट हेयर द 1/n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो गया 1/n भाई इस प्रेशर की पावर 1/n किसके इक्वल हो गई, इस प्रेशर की पावर क्या आपकी 1 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा Here the n is equal to, भाई n को उधर ले जाओ आप, n को उधर ले जाओ क्या n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपर कंडीशन क्या थी एट लो प्रेशर
इंटरमीडिएट प्रेशर से या लो प्रेशर में क्या चेंज कर सकते हैं उसको आपने निकाल के उसको आपने समझ लिया। नाउ फॉर्मूला इंटरमीडिएट प्रेशर था और इंटरमीडिएट प्रेशर क्या था, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू द e पावर 1 बाय n। तो जब इसको आप इससे सेटिस्फाई हो हाई प्रेशर से सेटिस्फाई हो द हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर the Frederick's equation can be written as x upon m proportional to the e power c, it is independent of pressure। अब यानी यहाँ पे क्या हो गया p power 1 by n, here p power 0, so we can write here the 1 by n is equal to 0, 1 by n is equal to क्या हो गया 0 क्यों हो गया अगर 1 by n is equal to 0 हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा n is equal to क्या हो जाएगा n क्या हो जाएगा आपका। अगर n आपका इनफाइनाइट हो गया इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अब वहां पर आपका n इनफाइनाइट हो गया 1 बाय इनफाइनाइट का होगा 1 बाय इनफाइनाइट का होगा 0 इनफाइनाइट से क्या होगा आपका 0 की बात कर रहा हूं। अगर आपने आप को इनफाइनाइट कर दी देन इट्स टू द फर्स्ट इन द हाई प्रेशर कंडीशन यानी आपकी जो हाई प्रेशर कंडीशन है वो कैसा है ना प्रेशर टू पावर 0 अगर n वैल्यू इनफाइनाइट है तो पता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर आप ग्रेड प्रेशर पे एन वैल्यू फाइंड करो तो उससे क्या मिलता है प्रेशर की आपको इक्वेशन मिल जाती है एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पावर सी। इट मींस इन दिस केस वी नो दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस रिमेंस कांस्टेंट टू द प्रेशर और मींस ऑनली इट रिमेंस इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर की वैल्यू प्रेशर के आपके इंडिपेंडेंट होगा इतना क्वेश्चन लगा उसको नहीं। नाउ अब अगर यहाँ पे अगर फुलफिल हो गई कौन सी आपकी इक्वेशन आपकी यानी जब n इज इक्वल टू आपका इनफाइनाइट हो गया देन x अपॉन m इज इक्वल टू k e पावर 1 बाय n इट इज इक्वल टू द x अपॉन m इज इक्वल टू k इनटू p पावर 0 वी कैन से दैट द x अपॉन m इज इक्वल टू आपको लो प्रेशर के लिए आपको मिल जाती है इक्वेशन और इससे आपको क्या मिल जाती है हाई प्रेशर के लिए आपको इक्वेशन मिल जाती है। ध्यान देने वाली बात है अब यहाँ पर आप उस बातों को आप मेंशन करें जिस इंपॉर्टेंट द पावर ऑफ पी वेरीज फ्रॉम 1 टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ एम वेरीज फ्रॉम कहाँ से वेरी कर रही है थोड़ा सोचो 1 टू इनफिनिटी। अब यही अगर आप सब कहते हैं p और n की अगर वैल्यू अगर आप एग्जाम में पूछ ले इन फ्रेडरिश आइसोथर्म व्हाट इज द वेरिएशन इन प्रेशर एंड व्हाट इज द वेरिएशन इन कांस्टेंट टेंप तो आप उसको बता सकते हो इन फ्रेडरिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द प्रेशर वेरीज फ्रॉम 1 टू 0 एंड कांस्टेंट टेंप वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। यहां पर कांस्टेंट टेंप जो आपका 1 टू अब ये बात हमेशा अपने ध्यान रखो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्या होगा अगर n तो 1 बाई n का इक्वेशन क्या होगा ये इफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ 1 बाई n 1 बाई n का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ ये सिंपल सा है ना इट वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 ऐसे ना रिवर्स में क्या हो जाएगा 0 टू 1 हो जाएगा बस बात है यहाँ पर अगर 1 बाई n का आप रिलेशन बनाते हो कि वेरीज फ्रॉम 0 n बाई n टू 1 ये कहाँ से आएगा 0 टू 1 ये बहुत बहुत ध्यान रखो इवन इफ यू नॉट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग देन द ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक का जाएगा आपसे वो n को नहीं आपसे क्या करेगा ही आस्क यू अबाउट द व्हाट इज द वेरिएशन इन 1 बाई और 1 बाई n का अगर आपने रिलेशन आपसे रिलेशन पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लियर ना क्लियर होगा।
पावर एन, बहुत सिंपल सा है। अगर दोनों तरफ इसका आप लॉग है तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग ए प्लस वन बाई एन, अभी प्लस कौन सा है, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बेसिक से ना, क्योंकि यहाँ पे ए होती है मल्टीपल होती है, फिर इसको आप लॉग लोगे तो क्या होगा, हमको ये पता है कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी क्या होगा लॉग के प्लस ये जो पावर है वो लॉग के क्या होती है क्या जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आपकी क्वेश्चन। अब इसको अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, फिर बॉन्ड को प्लॉट करा, अगर आपको ग्राफ को प्लॉट करना है तो हमको इसको एक इक्वेशन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेरीफाई करना पड़ता है, जैसा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, m इज अ स्लोप, x एंड y इज अ एक्सिस। अब यहां पे देखो ये चलो y को टीम में ये सीधा रिलेट कर दिया आपको, एक यहां पे क्या log k k इज द कांस्टेंट और यहां पे c क्या है एक्सटेंट 1 बाय n इनटू x फॉर्म आप क्या लिखा दिया 1 बाय n इनटू log x एक्सिस से क्या आ रहा है log k, तो वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ नहीं करना सिर्फ हो जाने के और mx को बदल लीजिए, यानी यहां पे क्या होगा इसमें तो बात समझ में y इज इक्वल टू x प्लस c को इस मामले में हुआ y इज इक्वल टू c प्लस m इनटू x, अगर आप देखो log k इज अ कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है आपका, m इससे रिलेट कर गया 1 बाय n से, log k रिलेट्स विद x, log k इससे रिलेट कर गया x, यानी y एक्सिस में क्या होगा log x / m एक्सटेंट ऑफ द x एक्सिस ऑफ x से क्या होगा log k इट मींस दैट प्रेशर, m क्या होगा आपका स्लोप, वो क्या आपका 1 बाय n, c क्या है आपका log k। अब इसको अगर आप इस ग्राफ का मतलब क्या है, अगर इसको आप ध्यान दें ऐसे ग्राफ बने, ग्राफ का मतलब प्लॉट करेंगे तो y से क्या है log x on m, on x axis log वेयर ऑन y एक्सिस इनपुट द वैल्यू ऑफ
axis, we have to put the value of log p. To intercept the log k and the slope, which is equal to 1 by n given by the value of m. If the m is positive, then the graph is always upgrading. Always measure down after. ऊपर की तरफ हमेशा आपका मन करेगा, हमेशा क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन में आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चलता होगा, आपका अब मूविंग ग्राफ यानी हमेशा क्या होगा आपका ये मूव करता रहेगा। तो ये क्या होगी आपका इसका मतलब होगा कि प्रोसेस इसका आपने फ्रेडलिश इक्वेशन के अंदर इन केस स्टडी अकॉर्डिंग टू फ्रेडलिश आपने जो देखा कि आपकी जो प्रोसेस स्टडी हुई इन फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सैचुरेशन प्रेशर इन सेकंड केस In our second case, we have discussed about the kerosene at low pressure. In third, we have discussed about the high pressure, then the intermediate pressure. In intermediate pressure, we have derived the both phases. Intermediate means what? Us both phases are derived before condition and after condition. पहले कितनी थी low pressure के वो भी आपको satisfy हो गई। बाद कितनी थी high pressure के वो भी satisfy कर दी। यानी किस तरह से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए? इनकी केस स्टडी करना बहुत जरूरी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी होता है। अब जब ये सारा हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका लैमिनर एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल। नेक्स्ट टॉपिक क्या था लैमिनर एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल। जब फेडरेशन ने इक्वेशन दी इसके बाद लैमिनर ने क्या किया अपना एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल। द मेन डिफरेंस इज दैट फेडरेशन ने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो वहाँ पर एडसॉर्प्शन भी क्या होता है आपका लो प्रेशर का इंक्रीज होता है, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर आपका उसके बाद सैचुरेशन प्रेशर आप देखते हो उसके बाद हाई प्रेशर क्या होता है एडसॉर्प्शन बंद हो जाता है। लेकिन लैंगोर ने अपने क्या किया था एडसॉर्प्शन के बारे में एक चीज के बारे में नोटिस किया कि से दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर। इसने क्या किया था कहा गया कि यहाँ पर क्या होता है न्यू लेयर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है आपका न्यू लेयर यानी सिंगल लेयर फॉर्मेशन होता है। और ये सिंगल लेयर किसकी बनती है ये सिंगल लेयर किसकी बनती है अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ये आप पता है एडसॉर्बेंट है और इसके ऊपर द गैसेस आर एडसॉर्ब इस फॉर्म मोनो लेयर कि ये क्या किया मोनो लेयर ऑफ इसके लिए गैस और गैस क्या किया आपकी इट इज अ अब ये कैसे होता है लैंगोर ने एक चीज और यहाँ पर ये ऐसे की एडसॉर्प्शन नहीं होता वॉट एडसॉर्प्शन द एडसॉर्बेंट है सम साइड्स। इससे कह रहा है कि यहाँ पर क्या होती है कुछ साइड्स होती है इसके एडसॉर्बेंट के सरफेस एंड द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल आपको मॉलिक दे सकते हैं जो एडसॉर्बेट का मॉलिक्यूल वैसे के मॉलिक्यूल आते हैं वो इस साइड करते हैं यहाँ पे आपको मॉलिक करते हैं सब मिला के आपको देखते हो हेयर टोटल एन सर यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर टोटल कितने साइड्स हैं वहाँ पर एन इज द टोटल साइड्स ये क्या किया आपकी टोटल साइड। अब मान लो इस साइड पर यहाँ पे एक आपकी गैस एड्सॉर्ब हुई यहाँ पे गैस एड्सॉर्ब हुई यहाँ पे गैस एड्सॉर्ब यानी ये तीन मिला क्या होगा एडसॉर्प्शन हो गया ये कैसी थी अपू पार्टी से और ये कैसी होगी आपकी अवेलेबल ये कैसी भी आपकी अवेलेबल साइड यानी इतनी साइड जब जितनी साइड आपकी अवेलेबल होगी उतने ही ऊपर क्या होगा एडसॉर्प्शन होगा कभी साइड अवेलेबल होगी एडसॉर्प्शन होता है कभी नहीं होता है यानी उनका कहने का मतलब यही अगर एक और सारी साइड अगर आपकी मोटिव हो गई एक और सारी साइड आपकी गैस ने ऑक्यूपाई कर दी उसके बाद उसको कोई साइड ही नहीं मिल रही है इसलिए क्या बनाते हैं इन दिस केस ओनली प्रिपेयर आउट अभी हम क्या करते हैं का क्वेश्चन है और भी हो रहा है हमको ये भी पता था द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीज जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाते हो एब्जॉर्प्शन भी आपका बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे इसका मोरेट निकालना पड़ेगा यानी कितना अमाउंट ऑफ आपकी क्या नाम से एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी स्पीड से हो रही है। तो फॉर दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट
रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या, कितने अमाउंट का पीरियड कितना अमाउंट आपका, किस रेट से आपकी अमाउंटिंग गैसेस आपकी एडसॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके प्रेशर के ऊपर, जितना प्रेशर आपका अब होते गैस आपके एडसॉर्ब होगी। हम कह सकते हैं अगर गैस ए मान लो कोई गैस ए उसका अगर आपका एडसॉर्प्शन है इसके ऊपर आप पर्टिकुलर साइड पर यहाँ पर आप उसका साइड पर करते रहो उसका एडसॉर्प्शन कर रहे हो, देन द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए, यानी वो जो ए गैस है उसके प्रेशर के ऊपर क्या करेंगे डिपेंड करेगी, एज अ प्रेशर ऑफ एज द प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेस द एडसॉर्प्शन इज इंक्रीज सक्सेस आप उसके ऊपर। हमने क्रिस्टल में आपने क्या किया, ये आपने ऐसे क्रिस्टल ले लिया सिलेंडर के जहाँ क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पर आपकी एडसॉर्बेंट रखा हुआ है, इसमें आप क्या है गैस जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे यहाँ पर साइड लेवल है उसके बाद ऑप्शन क्या होगा आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था रेट ऑफ एडसॉर्प्शन तो डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ इस पे डिपेंड करता है आपका प्रेशर ऑफ ए पे डिपेंड करता है, ए गैस ऑफ कोई गैस है इसका नेम ए कोई भी ए गैस ठीक है। अब आप ये पता है भाई कितनी अवेलेबल साइट्स हैं कितने एडसॉर्प्शन होने वाला है रीजन से है रेट ऑफ एडसॉर्प्शन रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द approximately equal to the x अपॉन n, और x अपॉन n किसके बराबर है कहां से मिला था
इन अ फ्रेडलेश एब्जॉर्प्शन सिस्टम. फ्रेडलेश का मतलब क्या था, द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट हैव मास m व्हिच इज डिपेंड ऑन द प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर. यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होती है एट अ मास एट अ यूनिट मास ऑफ द पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट m का ये फिगर इक्वल तो साइड ऑफ ऑक्युपाइड आपको निकालना हो केवल इतने का क्या मान लो द साइड ऑफ ऑक्युपाइड इसकी इक्वल हो जाएगी n को से आप मल्टीप्लाई कर दो n मल्टीप्लाई n मीन अगर ये
we put this value on the equation number 2, अगर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर तब क्या हो जाएगा? Equilibrium previously absorption
रिजोल्व प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। डीसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन फॉरवर्ड रिएक्शन अगर तब क्या होगा रेडियस के डीसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन रेडियस के यहां पे क्या था कांस्टेंट के यहां पे क्या था कांस्टेंट ऑफ के यानी के दिया था हमें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और रिएक्शन का था ये यहां पे रेट ऑफ जिस प्लस अभी आपके रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकाल उसी तरह से आप रेट ऑफ दिस ऑप्शन को भी आप कैलकुलेट करोगे एंड दिस रेट ऑफ दिस ऑप्शन यहां पे कौन सा लिखा हुआ है रेट ऑफ दिस ऑप्शन किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ दिस ऑप्शन है किस पे डिपेंड करेगा आई दिस ऑप्शन इसका होगा वहां पे होगा जहां पे उसने साइट को ऑक्युपाइड किया वहां से होगा जहां पे वो था ही नहीं तो जहां से वो साइट ने ऑक्युपाई किया था वहीं से मॉलिक्यूल निकलेंगे कि जहां से अपने मास निकल जाएगा भाई जहां साइट को ऑक्युपाई किया था वहीं से मॉलिक्यूल निकलेंगे देयरफॉर the rate of desorption the rate of desorption is pe depend karega it depends on site occupancy is pe depend karega site occupancy site se aapko pata hai is pe depend karega aur abhi aapne isko calculate kiya tha the site occupied साइड ऑफ द स्टेप पर का द साइड ऑफ द इज इक्वल टू ये मैंने स्टेप पर की और द साइड ऑफ द इज इक्वल टू रेगुलर साइड ऑफ द इज इक्वल टू n थीटा सी पर होती ना साइड ऑफ द इज इक्वल टू n थीटा यानी का रेट ऑफ दिस ऑप्शन इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके n थीटा के अभी तो वैल्यू आपको क्या होगा आपको मिलेगी तो मिल सकते हैं द रेट ऑफ रेट किसका डी ऑप्शन इस पर प्रश्न को इसके ऊपर मैंने बता दिए प्रश्न हो जाएगा फिर वही बात अगर आप प्रश्न के सर को आप अपने करोगे तो वहां पे क्या होगा यहां ऑप्शन आएगा द रेट ऑफ दिस ऑप्शन इक्वल हो जाएगा इक्वल इक्वल टू के डी की के डी का दिस ऑप्शन का रेट था के डी तो रेट ऑफ दिस ऑप्शन आपको मिल गया रेट ऑफ दिस ऑप्शन आपको मिल गया जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है देखो हां इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम दिस बोथ प्रोसेस आर इक्वल टू ईच अदर ये दोनों रेट ये दोनों प्रोसेस आपस में इसलिए कि आपकी क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल या फिर इक्वल टू ईच अदर अगर ये दूसरे के इक्वल हो गए तब क्या होगा रेट इसका रेट एज ऑप्शन एडीएस में समझ जाओगे ना रेट ऑफ एड्स ऑप्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डी ऑप्शन दोनों के रेट इक्वल है रेट ऑफ एड्स ऑप्शन की इक्वेशन क्या थी द के ए पी ए एम 1 माइनस बीटा द रेट ऑफ एड्स ऑप्शन इज इक्वल टू के ए पी एम 1 माइनस बीटा इन आता है equal to the rate of this option represented by AD into N and theta. अब देखो दोनों तरफ क्या होगा n common है इन दोनों का कैंसिल कर दिया क्या बचा आपका k a p a 1 minus theta k a p a 1 minus theta is equal to AD into theta. क्या करो यहाँ से AD को ना तो यहाँ पे ले और यहां से केवल 1 माइनस थीटा हो जाएगा इस तरफ देखो यहां से केडी पता नहीं क्या हो गया के ए अपॉन केडी ये क्या था आपका टी ए इज इक्वल टू थीटा का मान ऐसे हुआ अगर ये यहां से देखो तो अपॉन थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इससे क्या मिल गया नहीं यहां पे कुछ नहीं दी सो के ए केडी क्या था दोनों ही यहां पे कांस्टेंट है इट इज अ कांस्टेंट ऑफ द एक्स ऑप्शन इज अ कांस्टेंट ऑफ दिस ऑप्शन अगर ये एक्स ऑप्शन ये है क्या बनता कांस्टेंट है वो था का कांस्टेंट इन दोनों को मान लेते हैं जैसे कि इनका नाम एक सिंपल सा एक्स ऑप्शन का एक कांस्टेंट यूज करें अगर एक कांस्टेंट को आपने यूज किया यूज़ था 1%
अगर आप एक दूसरे के लिए करोगे मतलब इज इक्वल टू द ओके सिंगल कांस्टेंट बाय नो डायरेक्शन एनी कांस्टेंट एनी कांस्टेंट इसकी वैल्यू आप करना है ना ये कांस्टेंट कैलकुलेट करके के टी के इज इक्वल टू बीटा मान माइनस लॉस फॉर द अगर वो सेंटर में एक सेंटर में जाते हैं तो क्या हो जाता है ये माइनस ए ए से तो क्या होगा माइनस ए ठीक है नो अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करें क्या मिलती है आपको इट इज अप के पी ए इज इक्वल टू बीटा नॉन वन माइनस बीटा ये आपको मिला इसका तो वैसे ही प्रॉपर है If you take the reciprocal of this particular equation, so 1 upon kPa is equal to a 1 minus theta upon theta, 1 minus theta upon theta theta theta. Kis tarah se sabko yeh usko 1 upon theta minus ye kya ho jayega? So yahan pe dekhne ko theta to ye 1 upon theta minus 1 is equal to 1 upon kPa. Ye ho sakta hai. Plus 1 hai. अगर इसको इस तरह के लिए हम जिस पर इधर साइड दें तो हम हमने सीखा इस पर इधर क्या होगा वन अपॉन ए पी ए प्लस वन क्या हो गया मैं आपको इस तरह पूछा वन अपॉन ए पी ए प्लस वन आपको ये क्या होगा ये कर रहा हूँ अब यहाँ पे के पी ए बाय टेकिंग जैसे हम के पी ए अगर टेकिंग कर रहे हैं उसे ले लो क्या होगा अगर हमने के पी ए जैसे ले लिया वन अपॉन थीटा इक्वल के पी अगर तो क्यों के पी का क्या होगा रेशियो में होता होगा के पी के पी तो रहेगा वन प्लस वहां ऊपर ऊपर रहेगा ये बैठेंगे रेशियो में ऊपर ऊपर इंटरेशन क्या होगा के पी वन प्लस के पी होगा देखो हम इसको ऐसे पकड़ दिया था पहले वापस तो हमने कॉमन चेंज वापस क्या करूँगा तो कॉमन चेंज हो जाएगा
अब दोनों इक्वेशन आपको मिल गई अकॉर्डिंग टू पहले रिलेशन है एक्स अपॉन एम के पी को और होना है पहले क्वेश्चन एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी पावर वन बाय इसका नाम उसका मतलब क्या है दोनों ही आसपास कर रहा है तो वहाँ भी प्रेशर है वहाँ भी प्रेशर रिवर्स इंटेंसिव है द मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब एट अ पर्टिकुलर और परस्पर जान ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज डिपेंड ऑन और इट्स रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम यानी दोनों कंडीशन में जो आप एब्जॉर्बेंट कर रहे हो आपके प्रेशर के ऊपर एज अ प्रेशर टू द दोनों ही क्वेश्चन आपको करना होगा सिचुएशन में देखो चाहे सिचुएशन में देखो अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो इस इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कन्वर्ट करना हो तो इसको लेना हो कड़ी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए तो ये कैसे है तो एक्स अपॉन एम ये था इस पी को यहाँ लिखो अपॉन पी इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस ए को बन गया पी हो गया इसका भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा बट इन रेसिप्रोकल ऑफ दिस इतना है पी अपॉन एक्स वाई एम इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कितना पी का पी अपॉन ए इंटू ये जानने के आपने इसके क्वेश्चन को रिकल कर देते हैं कंपेयर इट फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू x + c अगर इसको से कंपेयर करो तो y की क्या होगा ये होगा x मल्टीपल n क्या होगा ये x क्या होगा p x एक्सिस n का स्लोप और ये क्या होगा इंटरसेक्ट द तो ये क्या बना देता है ऑन y एक्सिस इट इज द p y m वन अपॉन इज द इंटरसेप्ट ये क्या था आपका इंटरसेप्ट का स्लोप इज द बी अपॉन ए एंड ऑन एक्स एक्सिस इज द यहां भी आपको ग्राफिकल होता है मोस्ट स्ट्रेट लाइन का होता है तो द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस तो टुडे वी हैव कवर्ड अवर द मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर which is very, really very important for your examination, for system, under the layer study about the fish system and Langmuir absorption. So, he has the answer to the question here, and you can ask the question here. Try to watch this video at least in time. Come see some of the program of the question, and you can see it. Okay, thank you. Meet you in next time.